एक्ट में जो परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, कोई हमसे पूछ रहे तो हमें पता होनी चाहिए आखिर हुआ क्या। चार पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने डील किए हैं जिनसे एक्ट बिल्कुल बेकार हो गया। नंबर एक, पहले कभी एससी एसटी एक्ट में अगर आप एफआईआर कराने जा रहे तो सबसे पहले एफआईआर होनी है आपकी, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होती थी। एफआईआर होगी और जिसके खिलाफ एफआईआर हुई है उसे तुरंत अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि कहीं वो कंप्लेनेंट को धमकाए नहीं, डराए नहीं, साक्ष्यों को नष्ट ना करे, इसलिए उसको पहले अरेस्ट किया जाता था और डीएसपी इसकी इन्वेस्टिगेशन करता था और एक महीने में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद चार्जशीट फाइल हो जाती थी और बेल इसमें नहीं मिलती थी, कम से कम एंटीसिपेटरी बेल किसी हालत में नहीं थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, आप जाएंगे कंप्लेंट लिखाने, एफआईआर नहीं होगी, पहले डीएसपी उसकी इंक्वायरी करेगा। और पुलिस कैसे इंक्वायरी करती है, हम तो फौजदारी के वकील हैं 25 साल से, हमें मालूम है क्या करती है पुलिस। आप अगर कंप्लेंट देने जाओ पहले उसे रिसीव ही नहीं करती। दिल्ली में तो तब भी यहां बेहतर है, लेकिन स्टेट में तो ये हाल है कि कंप्लेंट देने जाइए आप, कोई पुलिस वाला उसे रिसीव करके किसी थाने में देता नहीं है। अगर एसएसपी के यहां जाएंगे वहां से तो रिसीव कॉपी मिल जाएगी, अन्यथा कहीं मिलेगी नहीं आपको, तो आपको पता ही नहीं है कि क्या दिया क्या नहीं दिया, क्योंकि ओरिजिनल उन्हें देते हैं, बाकी सारी कहानी खत्म हो जाती है। तो इन्वेस्टिगेशन होने से पहले आप कंप्लेंट देंगे तो इंक्वायरी होगी, डीएसपी करेगा 7 दिन के अंदर, और उसके बाद में इंक्वायरी करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट देगा एसएसपी को। एसएसपी जब संतुष्ट हो जाएगा कि हाँ किसी हालत में ये प्राइमा फेसी मुकदमा बनता है, तब वो एफआईआर के लिए कहेगा। और उसके बाद में जब एफआईआर हो जाएगी और अरेस्ट करके अगर उसे ले जाएंगे, अरेस्ट भी एसएसपी अगर कहेगा ऑर्डर करेगा तभी अरेस्ट होगा, अन्यथा अरेस्ट नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है इस मुकदमे में जो बाकायदा हुआ है। उसके बाद में फिर मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है कि अगर उसे लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ी है, एसएसपी ने ठीक इन्वेस्टिगेशन जांच नहीं करी और वैसे ही अरेस्ट के लिए भेज दिया, तो वो भी छोड़ सकता है। और जो एंटीसिपेटरी बेल पहले सेक्शन 18 है उसमें बंदिश थी कि सीआरपीसी की धारा 438 जो एंटीसिपेटरी बेल को डील करती है वो इसमें डील नहीं करेगी, वो इसमें कहीं लागू नहीं होगी, तो एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं, इसकी कोई बंदिश नहीं है, संविधान का जो अनुच्छेद 21 है वो लाइफ एंड लिबर्टी की आजादी देता है, इसलिए उसकी वजह से जो एंटीसिपेटरी बेल है वो इसमें अब दी जा सकेगी। तो एक तरह से देखा जाए सारा एक्ट बिल्कुल बेकार कर दिया, हमारी पहले ही कोई नहीं सुनता था, अब तो क्या सुनेगा। साथ में दो चीज कर दी गई है कि जो सरकारी अधिकारी या कर्मचारी है, पब्लिक सर्वेंट, उसके खिलाफ अगर मुकदमा होगा तो उसको जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, और अगर पब्लिक का आदमी है तो एसएसपी से परमिशन लेनी पड़ेगी, अन्यथा कोई भी उनके खिलाफ मुकदमा होगा नहीं। साथ में सबसे जो खतरनाक स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट ने नीचे 4 लाइनों में लिखा है, अगर इस आदेश की अवमानना की गई, अवहेलना की गई, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा। मतलब यह है कि आपने गर्दन केवल दबाई नहीं रखी है बल्कि कह दिया अगर तूने चू भी करी तो सारे दमे निकाल दूंगा तेरा, यह हालत कर दी है। तो लिहाजा जो एक्ट था आज हमारे देश में हम लोगों पे, मैं एक आपको बताता हूं, करीब 4 साल पहली बात है ह्यूमन राइट कमीशन में, बिल्कुल मैं खत्म करा 2 मिनट में, ह्यूमन राइट कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस के रामास्वामी उसके मेंबर रहे थे, उन्होंने बताया कि उनके दौरान 3 साल के कार्यकाल में 4 लाख कंप्लेंट ह्यूमन राइट वायलेशन की उनके सामने आई, जिनमें से 90% ह्यूमन राइट वायलेशन हमारे साथ में हुआ था। क्या सुप्रीम कोर्ट को या इन प्राइम मिनिस्टर को इन सबको दिखाई नहीं देता कि कितना बड़ा ह्यूमन राइट वायलेशन हमारे साथ में हो रहा है, और एक एक्ट जो हमारे प्रोटेक्शन के लिए है उसको भी कोर्ट के माध्यम से इन्होंने खत्म करवा दिया। तो बात सीधी सी है साथियों, ये हमारे न थे न है, ये धोखेबाज है, हमेशा धोखा देंगे। 2019 आ रहा है, मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, जितने भी हमारे नेता एमएलए एमपी आपने देख लिए, कोई भी आज समाज के साथ में खड़ा नहीं है, उनको भी बख्शना नहीं है। और 2019 में मोदी को और भाजपा को गड्ढे में गाड़ने के लिए तैयारी करनी है, चार रात हमें एक करनी पड़े साथियों, वरना जो हाल आज हुआ है इससे बुरी हालत होगी साथियों। बस इतना ही निवेदन है, सब लोग इकट्ठे हो जाएं। इस दौरान एक बहुत बढ़िया बात हुई है
कि केवल एससी एसटी नहीं, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी मुस्लिम समाज सभी लोग कंधे से कंधा मिला के साथ में आ रहे हैं। 10 तारीख का बंद जनरल वालों ने किया है, ओबीसी को साथ में लेके वो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ओबीसी साथ में नहीं है, क्योंकि ओबीसी को ये मालूम है कि 54% आबादी इस देश में ओबीसी की है और उन्हें मात्र 27% आरक्षण है, तो उनका 27% कौन खा रहा है? ये जनरल वाले खा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है, संविधान में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि वो रिजर्वेशन पर 50% की कोई भी कंडीशन लगाए, कहीं नहीं है। और इसका मतलब ये साफ जाहिर है कि ये सवर्ण मानसिकता के, जनरल मानसिकता के, दूषित मानसिकता के जो जज बैठे हैं, वो जज अपने 15% समाज को संरक्षित करने के लिए कोई भी आदेश पार करते हैं, और इसीलिए उन्होंने 50% की लिमिट लगाई है। हमें अब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी लड़ना है, क्योंकि एक बड़ा भयानक नेक्सस बना है, कोर्ट, मीडिया, सरकार और साथ में बड़े बड़े टॉप के बिजनेसमैन, जिसमें अंबानी और अडानी वगैरह सारे के सारे, इन सबसे हमें लड़ना है साथियों, और हम लड़ेंगे और जीतेंगे, किसी हालत में कम नहीं है साथियों।